क्या मुझे टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना चाहिए? हाँ दोस्तों, बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। क्या मुझे टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना चाहिए? दोस्तों ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है, कई बार हम क्या है, बार बार टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है और उससे जो है पेशेंट कंफ्यूज होता है। एंड जब मेरे ओपीडी में आता है वो पूछता है, सर मुझे क्या टॉन्सिल की सर्जरी कराना जरूरी है? सो चलो दोस्तों जानते हैं कि क्या है टॉन्सिल और कब हमें टॉन्सिल की सर्जरी की जरूरत है। दोस्तों जैसे आपको पता है, टॉन्सिल हमारे गले में जब आप ओपन करते हैं तो एक गोलेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी पीडियाट्रिक एज में बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए गॉड ने हमारे बनाया है टॉन्सिल, और उसके साथ में एक नाक के पीछे एक एडेनोइड टिश्यू और होता है। सो ये जो टॉन्सिल है, एक आफ्टर द एज ऑफ द फोर ईयर, ऑलमोस्ट चार साल तक आते आते ये श्रिंक हो जाते हैं, एट्रोफिक हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं आता कब टॉन्सिल आए और कब खत्म हुए। दोस्तों कुछ परसेंट जो पॉपुलेशन है उसमें ये टॉन्सिल क्या है कि एट्रोफिक नहीं होते, श्रिंक नहीं होते। एंड जब बचपन में ये टॉन्सिल होते हैं तो उसके बीच में खाली जगह होती है जिसको हम क्रैप्स बोलते हैं। सो दोस्तों इन क्रैप्स में क्या होता है कि बहुत बार हम खाना खाते हैं या कुछ ठंडा खाए या स्मोकिंग के कारण बहुत बार कोई इम्यूनिटी कम होती है कि बार बार इन्फेक्शन क्रिएट होता है। अगर दोस्तों आपके एक बार इन्फेक्शन हुआ एंड देन हमने क्या है कि एंटीबायोटिक ली और ठीक हो गया तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होता। दोस्तों कई बार अगर आपको महीने में 3 बार या 4 बार या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके परमानेंट जो है उसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जब हमारे पेशेंट ऐसा आता है तो सबसे पहले उसको कंजर्वेटिव मैनेज किया जाता है, एक थ्रोट स्वाब लेके उसका टेस्ट कराया जाता है कि इस टॉन्सिल में कौन सा इन्फेक्शन है। सपोज हमें पता लग गया कि इस टॉन्सिल में ये बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन सी दवा काम कर रही है, पार्टिकुलरली वो दवा दी जाती है, उससे पेशेंट ठीक हो जाता है, उसको वापस नहीं होता तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगेन एंड अगेन बार बार वो चीज रिपीट होती है। या और क्या लक्षण है जब हमें उसकी परमानेंट ऑपरेशन की जरूरत है, अगर उस टॉन्सिल के कारण, जैसे एक तो हो गया आपको बार बार इन्फेक्शन होना, दूसरा उस टॉन्सिल के कारण फाउल स्मेलिंग, अगर आप मैरिड हैं आपको पार्टनर आपका कंप्लेन करता है कि आपके मुंह में बहुत बदबू आती है, तो देन थर्ड आपका जो वो टॉन्सिल है जब आप सोते हैं उसके कारण क्या है दोस्तों, आपको जो है स्नोरिंग होता है, आपको रात को जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, उस स्नोरिंग के कारण भी आपको उसका परमानेंट जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत है। एंड दोस्तों बहुत बार क्या है, इस टॉन्सिल में कोई क्रैप्स बड़ा होता है तो उसमें वाइट वाइट दाना निकलता है, अगर वो दाना आपको बार बार निकलता है तो ये कुछ 3-4 ऐसे इंडिकेशन है जो उसके परमानेंट सर्जरी ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब दोस्तों उसका परमानेंट जो ट्रीटमेंट उसका क्या है, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट है कि उसमें जो है वो एंडोस्कोपिक एक लेजर से अंदर के अंदर टॉन्सिल को रिमूव कर दिया जाता है। ध्यान रहे इसमें बाहर से कोई चीर फाट टाका पट्टी दर्द निशान ऐसा नहीं होता, 1 घंटे की प्रोसीजर रहती है एंड डे आफ्टर टुमारो हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। एंड उसके बाद में जो है आप रिकवरी के अंदर 7 दिन बाद नॉर्मल अपना सारा रिकवरी खाना पीना ऑलमोस्ट सब खा सकते हैं, इसमें कोई बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो देखा दोस्तों आपने कितना महत्वपूर्ण जानकारी है, कब हमें टॉन्सिल की सर्जरी करानी चाहिए। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स को शेयर करना चाहिए जिससे उनको भी जो है टॉन्सिल की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जागरूकता क्रिएट हो सके। थैंक यू।